हेलो दोस्तों, अगर आप एक बजाज फाइनेंस के कस्टमर हैं और आप लॉगिन करना चाहते हैं बजाज फाइनेंस के एप्लीकेशन में, लेकिन वहां पे लॉगिन करते समय आपको एक एरर मैसेज शो हो रहा है, एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड करके वहां पे आपके लिए एक एरर मैसेज आ जाता है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कैसे उस प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहिए, आज के इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलता होगा जब ये एरर आपके सामने आता होगा। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे एक बटन दिया जाता है गेट हेल्प का, आपको यहाँ पे गेट हेल्प पे ही क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे नीचे देख सकते हैं गेट हेल्प का एक ऑप्शन दिया जाता है, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो बोला जाएगा कि आप एक कस्टमर है, एग्जिस्टिंग कस्टमर है या फिर नहीं है, तो जो भी आपका है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पे आप सभी लोगों को आपका मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए बोला जा रहा है। मोबाइल नंबर एंटर करके या आपको यहाँ पे जनरेट ओटीपी कर देना है, ओटीपी भेजा जाएगा, ओटीपी यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे आप सभी लोगों को सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं रेज ए रिक्वेस्ट का ऑप्शन आप सभी लोगों के सामने देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट सब क्वेरी टाइप जो है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। जब आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं सेलेक्ट क्वेरी टाइप जो लिखा है उसी पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा लॉगिन विद टू और मोर नंबर्स, ठीक है ना, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक्सेस डिनाइड एज टू मोबाइल नंबर यूज, यहाँ पे सब क्वेरी टाइप आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इतना करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी लोगों को यहाँ पे अपना क्वेरी लिख देना है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ऐड कर देना है कि मेरे साथ क्या हुआ है, लॉगिन करने में क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो आपको डिस्क्राइब कर देना है थोड़ा सा, और एक अल्टर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अगर आपके पास है तो दे दीजिएगा, ठीक है ना, और डॉक्यूमेंट वगैरह स्क्रीनशॉट वगैरह है तो वो भी डाल दीजिएगा और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही दोस्तों आपका जो रिक्वेस्ट है वो रेज हो जाएगा, आपको एक यहाँ पे आईडी भी जनरेट हो जाएगा और ये बहुत ही जल्दी आपके लिए सोल्व कर दिया जाएगा। इसी तरीके से आप सभी भी एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड वाले एरर को सोल्व कर सकते हैं।